सभी आत्माओं को हमारा नमस्कार। रात को अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लें आपको दिव्य शक्तियां कुछ संदेश देती हैं। तो किनको, किन व्यक्तियों को ऐसा महसूस होता है वो भी जानेंगे, और क्या क्या होता है उनके साथ रात्रि में वो भी जानेंगे, और दिव्य शक्तियों के संकेत क्या क्या होते हैं वो भी जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जो भी साधक ध्यान साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, बैलेंसिंग ध्यान करते हैं, 112 विधियों में से कोई भी विधि अगर प्रयोग करते हैं ध्यान की, तब उन्हें इनमें से कोई भी अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों को अगर वो ठीक से कुछ परेशानी कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उनको कैसे ठीक करें वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। कई बार रात को सोते हुए व्यक्ति को एकदम से झटका लगता है, उसे लगता है उसके शरीर में जैसे कोई चीज ऊपर या नीचे या करंट टाइप का उसे कुछ ऐसा लगा, बिजली सी अंदर उसके शरीर में जैसे दौड़ गई हो। वो स्थिति में देखता है तो लगता है उसे, बाद वो सोचता है ये तो मैं सोया हुआ हूं लेकिन ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ, तो वो दोबारा सो जाता है। अगर जिनको नहीं पता होता लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, उसके भीतर की जो ऊर्जा है, जब वो ऊर्जा उसकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो जब उठ के ऊपर आती है तो जब किसी चक्र में उसे ब्लॉकेज बाधा लगती है तो वहां पे वो जब पार नहीं हो पाती तो अचानक से झटका लगता है। तब ऐसी स्थिति में साधक रात्रि को उठ के बैठ जाता है या डर जाता है। दूसरा है, साधक को रात्रि को सोते हुए ऐसा लगेगा कि उनके देवता जिनको वो मानते हैं वो साक्षात प्रकट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वो साधक सोचता है कि मुझे एकदम से अपने ईष्ट के दर्शन हो गए हैं, असली में उसे लगता है। लेकिन परमात्मा जो भगवान जिसे हम कहते हैं, उनके जब देवी देवताओं के दर्शन होते हैं वो ऐसे ज्यादातर सपनों में ही होते हैं या ध्यान में होते हैं। जो जागृत में होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या वो सिद्धि हो जाती है जब वो दिन में भी आपके लिए कुछ कार्य करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं पर या अपनी कृपा बरसाते हैं, तो ऐसे देवी देवताओं को दर्शन हो जाते हैं। कोई पुराने मंदिरों का दिख जाना उन्हें, ऐसे खंडर जैसे कोई मंदिर, कोई पुराना, बहुत पुराना, ऐसे भी रात्रि को उनको सपने में नजर आते हैं। तो वो ऐसा इसीलिए होता है कि आपके साथ वो दिव्य शक्तियां आपको कुछ संकेत दे रही हैं, और कई बार वो शक्तियां आपको जगाती भी हैं। आपने देखा कई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप कई उठ जाते हैं, कई बार वो अलार्म लगाते हैं तो कई बार अपने आप उठ जाते हैं। तो उन व्यक्तियों को अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अचानक से उसी टाइम, वो भी सेम वक्त, 2-4-5 मिनट का अर्क फर्क होगा, उन्हें सेम टाइम पे नींद उनकी खुल जाती है, तो उनको कोई भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार कई दिव्य खुशबुएं भी आने लगती हैं, उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास कोई दिव्य, कोई ऐसा इत्र, कोई ऐसा फूल है जिसकी खुशबू बहुत तेज आ रही होती है। तो ऐसे कई अनुभव होते हैं। अब जब झटके लगते हैं उस समय क्या करें साधक, माथे पे झटका लगना या रीढ़ की हड्डी में झटका लगना, इस तरह की कुछ ऊर्जाओं का जो अवरोध होता है आपकी कुंडलिनी शक्ति के लिए, उस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को झटके ही लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, श्वास की 2-3 क्रियाएं जरूर करनी चाहिए, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, लॉन्ग ब्रीथिंग,
ये कुछ 3 एक्सरसाइज उसे जरूर करनी चाहिए ताकि कोई भी ऊर्जा कहीं पे फंसी है, रुकी है, तो वो उसका रास्ता, उसका पाथ साफ हो जाए। तो इसलिए आपने ऐसा भी करना है। तो ये आपको दिव्य अनुभव होते हैं और उनकी परेशानियां हैं उसका सलूशन एक ही है, प्राणायाम करें, तब आप देखेंगे। और जिनको भी इस तरह की घटनाएं रात्रि को हुई हैं या ब्रह्म मुहूर्त में हुई हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।